क्या आप जानते हैं कि मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव एक और बड़े विवाद में फंस गए हैं? एल्विश यादव, जो पहले ही कोबरा कांड के कारण चर्चा में थे, अब एक नए मामले में फंस गए हैं। हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने रेड जोन में फोटो खिंचवाई, जिसके चलते अब उन पर कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। हुआ कुछ यूं कि एल्विश यादव अपने दोस्तों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। वहां दर्शन करने के बाद उन्होंने मंदिर के शिखर के सामने फोटो खिंचवाई। ये फोटो जैसे ही वायरल हुई, वैसे ही विवाद खड़ा हो गया। अधिवक्ता प्रतीक कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि एल्विश यादव को VVIP ट्रीटमेंट दिया गया और उनकी फोटो खिंचवाई गई, जो कि रेड जोन में प्रतिबंधित है। इस मामले को लेकर वकीलों की एक टीम ने वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आयुक्त से की गई शिकायत के बाद एडिशनल CP के एल्जर्सन ने जांच के आदेश दिए हैं। DCP सुरक्षा को इस मामले की जांच का निर्देश दिया गया। ये मामला तब सामने आया जब कुछ ही दिन पहले एल्विश यादव से ED ने सांप के जहर से नशे के मामले में 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है और इसी बीच एल्विश का नाम एक और विवाद में आ गया। प्रतीक कुमार सिंह, आज मैंने ज्वाइंट CP साहब को एक एप्लीकेशन दिया है मामला एल्विश यादव के खिलाफ। आज एल्विश यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया और उस प्रांगण में फोटो खिंचाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, काशी मंदिर में पूर्ण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हम अधिवक्ताओं को कलम ले जाने की, पेन ले जाने की भी इजाजत नहीं है। मामला जांच का है और ज्वाइंट CP साहब ने मुझे अवगत कराया कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जाँच होने के बाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि फोन पूर्णतः प्रतिबंधित है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो एल्विश यादव खुद फोन लेके गया था, या तो मंदिर प्रशासन द्वारा फोटो खींची गई है, या तो किसी पुलिस प्रशासन द्वारा फोटो खींची गई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मंदिर प्रशासन द्वारा जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो फोटो खींची जाती है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एल्विश यादव को किस आधार पर प्रोटोकॉल दिया गया। वह कौन सा प्रोटोकॉल की श्रेणी में आता है, वो कौन सा पूर्व विधायक है, पूर्व MP है, बस यही मामला है। इस नए विवाद ने काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल का जाना और फोटो खिंचवाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्या इस तरह की घटनाएं से मंदिर की सुरक्षा को खतरा है? यादव के खिलाफ आरोप है कि उसने काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में फोटोग्राफी कराई है। सवाल इस बात का है कि आखिर वहां तक कैमरा कैसे पहुंचा? देखिए, अभी सुबह कुछ लोग आके शिकायत दिया है, कंप्लेंट दिया है, उस संबंध में हमने DCP सिक्योरिटी को जांच के लिए आदेश दे दिया है, समुचित कार्रवाई की है। नहीं, इस तरह का जो है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे मंदिर में कैसे फोटोग्राफी अलाउड किया है, इस संबंध में सर, आमतौर पे ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे लगातार जो रेड जोन में जो लोग हैं, VIPs भी लोग हैं, वो फोटोग्राफी करा रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ये बिना देखे एलिगेशन मत लगाइए, क्योंकि चारों तरफ यानी इससे मुकम्मल सिक्योरिटी व्यवस्था है, इसमें ऐसा कोई चूक हो ही नहीं सकता है। अगर यदि इस तरह का आ गया सामने तो डेफिनेटली वो इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी बड़ा लेवल का आदेश दिया है, DCP सिक्योरिटी स्वयं उसको जांच कर रहे हैं। ठीक है, लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।